नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब अमिताभ बच्चन की बात का सोशल मीडिया पर विरोध होता हो। वो बहुत तोल मोल कर बातें कहते हैं, ऐसा ही नपातुला व्यवहार बिग बी अपनी असल जिंदगी में भी करते नजर आते हैं। लेकिन 3 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी नाते नव्या नवेली नंदा और पोती आराध्या के लिए खत लिखा था, जिसे लेकर अब उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। इस खत में अमिताभ ने अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स को अपने हक के लिए लड़ने और बेझिझक आगे बढ़ने की नसीहत दी थी। ट्विटर पर ये बातें सामने आई हैं और लड़कियों के लिए लिखे खत को लड़कियां ही गलत बता रही हैं। वैसे सबसे जोरदार रिएक्शन फराह खान के पति शिरीष कुंदर का है। उन्होंने लिखा, सिर्फ अमिताभ बच्चन ही अपनी फिल्म पिंक को प्रमोट करने का ये कमाल का तरीका सोच सकते हैं। अमिताभ बच्चन के खत पर ट्वीट करते हुए एक लड़की ने लिखा कि इस खत की पहली लाइन ही आपत्तिजनक है कि तुम दोनों के कंधों पर अपने परदादाओं के सरनेम की विरासत की जिम्मेदारी है। उधर एक और ट्वीट में लिखा गया कि समझ नहीं आता कि अमिताभ ने अपनी ग्रैंड डॉटर्स को पब्लिक की परवाह नहीं करने की नसीहत देने वाला लेटर पब्लिकली क्यों लिखा। एक तीसरे ट्वीट में लिखा गया कि सबसे पहले तो अमिताभ को ही माफी मांगना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बहू को काशी ले गए थे और पेड़ से शादी भी करवाई थी। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये लेटर लिखने का कौन सा तरीका है कि आप लिखते हुए फोटो शूट कराएं और बाकायदा वीडियो भी बनाएं। कुल मिलाकर अमिताभ की बात कई लोगों को नकली लग रही है और कुछ इसे प्रचार का हथकंडा भी बता रहे हैं। अब ये बातें नकली हैं या फिर पिंक को प्रमोट करने का एक तरीका, ये तो अमिताभ जाने। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अमिताभ ने अपनी नातिन और पोती के लिए जो भी खत लिखा था वो वाकई दिल को छू लेने वाला था। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।